नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। अवेकनिंग मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है मौत का भय कैसा। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसी ही एक कहानी है। एक मछुआरा समुद्र से मछलियां पकड़ता और उन्हें बेचकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर करता था। एक दिन एक बनिया उनके पास आया और आकर बैठा। उसे पूछा, मित्र क्या तुम्हारे पिता हैं? उसे जवाब दिया कि नहीं, वो एक बार मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए थे तो वो वहां गिर गए और बड़ी मछली उन्हें निकल गई। उसे फिर पूछा, और तुम्हारा कोई भाई? मछुआरे ने जवाब दिया, नौका डूबने के कारण मेरे भाई भी कुछ सालों के बाद समुद्र में समा गए। तब वह व्यक्ति बोला, मित्र यह समुद्र तुम्हारे विनाश का कारण है, बावजूद इसके तुम तट पर आते हो और जाल डालते हो, क्या तुम्हें मरने का भय नहीं है? मछुआरा बोला, भैया मौत जिस दिन आनी होगी आएगी ही। तुम्हारे घरवालों में से, दादा परदादा पिताजी में से शायद ही कोई समुद्र तट पर आया होगा, फिर भी वे सब चल बसे। मौत कब आती है और कैसे आती है यह आज तक कोई भी नहीं समझ सका है। फिर मैं बेकार की मौत से क्यों डरूं? प्रिय साथियों, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग आपको ऐसी बातें करेंगे। मृत्यु किसी भी द्वार से आ सकती है, इसीलिए आत्मज्ञानी ही मौत के भय से बच सकता है। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि रोज आप स्वस्थ रहने का काम करें, मस्त रहने का काम करें और हर पल व्यस्त रहने का काम करें। मौत को जब आना होगा आती रहेगी, हम हर पल एंजॉय करेंगे। लोग कहते हैं कि जब हम गलत काम करेंगे तो ऊपर जाकर भगवान हमें पकौड़े की तरह तल देंगे। हो सकता है भगवान हमसे ये पूछे कि जिंदगी जीने के इतने पल दिए थे, तुम जिए क्यों नहीं, ये भी तो पूछ सकते हैं। इसलिए ऐसी बातों पर विश्वास न करें, सिर्फ एंजॉय करें। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 23 जून बुधवार आज का राशिफल। प्रिय साथियों, चंद सेकंड आप लोगों के चाहूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग पर। आज सुबह 6:59 तक त्रयोदशी और बाद में चतुर्दशी तिथि रहेगी। आज ही सुबह 11:47 तक अनुराधा और बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। आज भी कल की तरह ग्रहों से बनने वाले वाशी योग, आनंद आदि योग, सुनफा योग और साध्य एक नया योग बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो शश योग का लाभ मिलेगा। और आज भी चंद्र केतु का ग्रहण दोष रहेगा क्योंकि कल चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ गए थे और आज भी वही रहेंगे। कल आपको शुभ कार्यो के लिए एक समय मिला था, आज दो दो समय मिलने वाले हैं। शुभ और मांगलिक कार्यो के लिए सुबह 7 से 9 तक लाभ और अमृत का चौकड़े और वहीं शाम को 5:15 से 6:15 तक लाभ का चौकड़िया। कोशिश करिएगा कि दोपहर को 12 से 1:30 तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। जब आप 6 राशि का राशिफल आज देख लेंगे तो हमारे शुभ कर्मों से शुभ फल प्राप्त हो, इसके लिए एक विशेष उपाय बताऊंगा। कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि शादी में क्यों निभाई जाती है कन्या दान की रस्म। आप इस पर रिसर्च कर चुके हैं, मैं इसका जवाब अब कार्यक्रम के अंत में दूंगा। आइए राशिफल की शुरुआत हमेशा की तरह मेष राशि से करते हैं। यात्रा में समस्या आ सकती है, बेफिजूल की यात्रा ना करें, यात्रा को अवॉइड करें। बिजनेस में इस समय किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं करें और किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले एक्सपीरियंस पर्सन की सलाह जरूर लें। जोखिम लेना है तो थोड़े पैसे का लीजिए। वर्क प्लेस पर उलझने बढ़ सकती है, डिबेट आर्ग्यूमेंट झगड़े भाषा से बचें, आप सिर्फ अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करें। फ्रेंड्स का सहयोग नहीं मिलने के कारण मॉरल डाउन हो सकता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड की जरूरत है। दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु अगर कुछ है तो वह है केवल परिवार, बाकी सब सेकेंडरी चीज है। इफ देयर इज एनीथिंग इन द वर्ल्ड इट इज ओनली द फैमिली, एक बड़े मशहूर व्यक्ति ने कहा था। लाइफ पार्टनर से, लव पार्टनर से बातचीत करते समय आपको अपनी जुबान पर कंट्रोल अब रखना पड़ेगा और जब बोलें तो चेहरे पर मुस्कुराहट, जुबान में अच्छे शब्द, हो सके तो हाथ में छोटा या बड़ा गिफ्ट होना चाहिए अपने पार्टनर के लिए, दिन बन जाएगा। ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीज के लिए आज परेशानी आ सकती है, ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपनी क्रिएटिव स्किल्स पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। लकी कलर पर्पल, नंबर 1 शुभ रहेंगे। वृषभ राशि, आज आपको शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर, नहीं है तो लव पार्टनर, वो भी नहीं है तो दोस्तों के साथ मनभेद मतभेद दूर करना चाहिए। दिल की बात शेयर करें, गिले शिकवे दूर करें और हो सके तो एंजॉय करने के लिए आप ट्रेवल कर सकते हैं। बिजनेस में आपको विवाद वाले डिसीजन से या फिर काम के पैटर्न में चेंजेस करने से बचना होगा। आज जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। वर्क प्लेस पर सीनियर्स और कलीग आपकी प्रशंसा करेंगे और आपको कोई बड़ा पद भी मिल सकता है या फिर उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आज काम में लोग आपको सराहेंगे। सोशल लेवल पर आपके बहुत सारे टास्क
आपके लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। आज आपके सोशल मीडिया पर पोस्ट जो आप डालेंगे, कुछ लिखेंगे, उसकी लोग कदर करेंगे। आपको अपने वेट पर कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर बढ़ रहा है वजन मानसिक या शरीर पर, तो उस पर कमी लाइए, नई परेशानी से बचिए। फैमिली में किसी मेंबर की एंट्री हो सकती है, नया कोई सदस्य आ सकता है, हो सकता है कंसीव कर लें, शादी ब्याह हो जाए। लव लाइफ में नजदीकियां प्यार इश्क और मोहब्बत को बढ़ाएगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। लकी कलर व्हाइट, नंबर 3 शुभ रहेंगे। मिथुन राशि, शत्रुओं से निजात मिलनी जरूरी है, शत्रुता को कम करना है। अगर आप किसी बैंक से या पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या अप्लाई कर रखा है, तो उसमें सक्सेस मिलेगी। जॉब सर्च करने वालों की तलाश आज पूरी हो सकती है। फैमिली में सभी का साथ, सभी आपको सहयोग दे ऐसा जरूर नहीं है, लेकिन छोटा बड़ा सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट करके अगर दिन अच्छा बनता है तो जरूर करिए। पार्टनर से आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है। सेहत के दृष्टिकोण से पूरा दिन एनर्जेटिक फील करेंगे। अच्छा भोजन करिए, कम भोजन करिए, मजा आएगा। सडनली कोई ट्रैवल का प्लान बन सकता है जो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपको लाभ मिलेगा। हायर एजुकेशन प्राप्त करने या चाहने वाले स्टूडेंट के लिए आज सक्सेस का दिन है। किसी भी अटेम्प्ट में सक्सेस मिले इसके लिए प्रयास करिए। लकी कलर सिल्वर, नंबर 5 शुभ रहेंगे। कर्क राशि, शादीशुदा है, संतान है और आप माँ बाबूजी हैं, तो संतान से सुख भी मिलेगा, और आप संतान हैं तो माँ बाबूजी का सुख पूरा मिलेगा। दूसरों के चेहरे पर अगर आपकी वजह से आज खुशी आ गई तो बहुत पुण्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा उस अलग। बिजनेस में बहुत बड़ा बदलाव नहीं करें, किस्मत आपका साथ दे रही, छोटे छोटे बदलाव करिए। वर्क प्लेस पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपको बड़ा लाभ देगी। कोई नई डिजीज परेशान कर सकती है, पुरानी डिजीज भी उभर के आ सकती है, ऑपरेशन तक की नौबत आने वाले टाइम आ सकती है, बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। फैमिली में जो फेस्टिवल या कोई शुभ और मांगलिक कार्य आने वाले टाइम में होने वाले, उसकी रूपरेखा आज बन सकती है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर पर क्रोध करने से बचें। रोमांच और रोमांस के साथ दिन बनेगा। किसी भी प्रकार के निवेश को करने से उसके बारे में रिसर्च करने के बाद ही निवेश का मन बनाए अच्छा रहेगा। स्टूडेंट को अपनी मेहनत का अच्छा पुरस्कार मिलेगा। लकी कलर ऑरेंज, नंबर 2 शुभ रहेंगे। सिंह राशि, पारिवारिक सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी आ सकती है, इसलिए नई चीज खरीदने में पैसा वेस्ट नहीं करें, बल्कि जो पैसा है, जो चीजें हैं, उसी से पूरा एंजॉय करने की कोशिश करें। बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी आपको लॉस दे सकती है, आपकी प्रॉब्लम इंक्रीज हो सकती है, चिंता बढ़ सकती है, चिंतन करिए। और किसी मशहूर व्यक्ति ने कहा भी है कि टेंशन इज वेरी यूजफुल वेपन दैट कैन बी यूज्ड इफ वी पुट इन इनटू राइट एक्शन। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते वर्क प्लेस पर सीनियर्स और बॉस से डांट सुननी पड़ सकती है। टाइम जल्दी ही आपके पक्ष में होगा, बस आप अपने गुस्से को और उससे निकलने वाले गलत शब्दों से आपको परहेज करना चाहिए। परिवार में हो रहे वाद विवाद से दूरी बनाकर रखें। अगर आपको लगता है कि आप किसी दो व्यक्ति के झगड़े की कुछ कारण बन सकते हैं कि उसे ठीक कर सकें, तो ही कूदिए, वरना आप उसका झगड़े का कारण बन जाएंगे। आप करना भला चाहेंगे, उसके विपरीत आपको परिणाम प्राप्त होंगे। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर की अत्यधिक मांग आपको तनाव में डाल सकती है। वर्कलोड और भागदौड़ के चलते सेहत में गिरावट आ सकती है। जो लोग एग्रीकल्चर का काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है, और ऐसे स्टूडेंट जो टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा दिन है। हेल्थ को लेकर ट्रैवलिंग आज अवॉइड करें, वरना यात्रा में नुकसान भी हो सकता है। लकी कलर ग्रीन, नंबर 7 शुभ रहेंगे। कन्या राशि, छोटी हो या बड़ी हो, भाई हो या बहन हो, खुशी की खबर आप लोग जनरेट करेंगे। पेरेंट्स को फ्री करिए, माँ बाबू जी आप हमारी तरफ से चिंता मुक्त रहिए, हम साथ साथ हैं। बिजनेस से रिलेटेड कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आपको परेशान कर सकता है। किसी ग्राहक से तलखी हो सकती है, आपके बारे में कोई बुरी बातें सोशल मीडिया पर लिख सकता है। अगर बिजनेस की नई ब्रांच खोलना चाहते हैं तो ब्रांच ओपन कर सकते हैं, इसके लिए आपके टाइम पक्ष में है। रिसर्च करें और पैसे से पैसा कमाने का काम करें। आज 2 बार रुका हुआ धन प्राप्त करने या पैसे से पैसा कमाने का मौका मिलेगा। फैमिली में सुख समृद्धि वृद्धि होगी। फैमिली प्लानिंग की योजना अब बन सकती है। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग अब बन सकती है। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए स्टूडेंट के लिए टाइम बहुत अच्छा है, इसलिए पूरा मन लगाकर पढ़ाई करें। लकी कलर येलो, नंबर 4 शुभ रहेंगे। प्रिय साथियों, हमारे शुभ कर्मों से हमें शुभ फल प्राप्त हो, इसके लिए आज एक विशेष उपाय बता रहा हूं। इसके लिए घर के पूजा घर में, और वैसे तो पूजा घर नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में होना चाहिए, और वहां पर पूजा होनी चाहिए, और दक्षिण पश्चिम की दिशा में निर्मित कमरे का प्रयोग पूजा अर्चना के लिए नहीं करना चाहिए। और साथ में हमारे शुभ फलों का, शुभ फल हमें प्राप्त करें शुभ कर्मों का, तो कुछ धनराशि आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में या महीने की सैलरी में से निकालकर अपने पितरों के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से, अपने पेरेंट्स के नाम से डोनेट करना चाहिए, तब आपके लिए शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तुला राशि, सत्कर्म, पुण्य कर्म,
सोशल काम और दान पूजा पाठ धर्म कर्म में रुचि, स्पिरिचुअलिटी में रुचि आज आपके दिन को शानदार कर देगी। और याद रखिए, बिजनेस में शॉर्ट टर्म या शॉर्टकट अपनाकर बड़ा पैसा कमाने के लिए, इजी मनी कमाने के लिए कुछ प्लान आप करेंगे और वो प्लान हो सकता है धूमिल हो जाए। इसलिए जरूरी नहीं कि लॉन्ग कट पे पैसा कमाया जाए, लेकिन पूरी रिसर्च करने के बाद प्रॉब्लम को कम करने के बारे में सोचना चाहिए। पर प्लेस पर प्रॉब्लम आ सकती है, इमोशनल इश्यूज की वजह से तनाव गहरा जाएंगे। लग्जरियस लाइफ जीने के लिए ख्याल बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई वाहन खरीदना या दिखावे के लिए कोई चीज खरीदना, उसके लिए कर्जा लेना सही नहीं है। आपकी मध्यस्थता से फैमिली में विवाद या दोस्तों में विवाद सॉल्यूशन के रूप में आगे बढ़ेगा। हेल्थ पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। सक्सेस पाने के लिए स्टूडेंट को हार्डवर्क करनी चाहिए। हार्डवर्क इज द फॉर्मूला फॉर सक्सेस। बिजनेस रिलेटेड ट्रैवलिंग से आपको प्रॉफिट जरूर होगा। आज ट्रैवलिंग में बिजनेस विद प्लेजर भी होगा। लकी कलर गोल्डन, नंबर 8 शुभ रहेंगे। वृश्चिक राशि, IQ और EQ लेवल में डेवलपमेंट होगा, बौद्धिक विकास होगा, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, जिसपे आप बिजनेस प्लानिंग को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वर्क प्लेस पर टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। न्यू पोस्ट और कुछ भी ऐसा काम जो आप सोशल मीडिया पर कर सकते हैं वो कर सकते हैं। कोई बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको मिल सकती है। एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल रखने की जरूरत है, वरना खर्चा कर्जे में तब्दील हो जाएगा। फैमिली में कोई स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग की प्लानिंग बन सकती है। परिवार दोस्तों के साथ मॉनसून का एंजॉय रखने के लिए या एंजॉय करने के लिए आने वाले टाइम में वीकेंड पर एंजॉय करने का मौका मिलेगा। चूकिएगा मत, लेकिन पूरे प्रोटोकॉल का पालन करें। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर का घरेलू कार्यों में संपूर्ण सहयोग मिलेगा। मस्कुलर पेन और घुटनों में तकलीफ परेशान कर सकती है, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, पुलिस, फौज, प्रशासन की तैयारी करें तो कठिन प्रयासों से ही सही, लेकिन सफलता की तरफ आगे जरूर बढ़ेंगे। लकी कलर क्रीम, नंबर 4 शुभ रहेंगे। धनुराशि, नए संपर्क बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाइए। कब कोई कॉन्ट्रैक्ट दे जाए, इसके साथ में जो डायरी खोजिए, मोबाइल में सर्च करिए, ऐसे ग्राहक, ऐसे दोस्त, ऐसे लोग जो अब आपके साथ नहीं है उनसे वापस मेलजोल बढ़ाइए। बिजनेस में किए गए इन्वेस्टमेंट से आपको हल्का लॉस हो सकता है। आज पैसे से पैसा कमाने के बजाय गंवाने के चांस ज्यादा है, ध्यान से इन्वेस्टमेंट करिएगा। यदि आप बिजनेस के लिए लोन लेने जा रहे हैं तो संबंधित डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीके से देख परख फिर साइन करें। वर्क प्लेस पर केयरलेसली या केयरलेसनेस से आपको काम में प्रॉब्लम आने वाली है। काम आपको सौंपा है, आपने किसी और को सौंपा है, उसने किया नहीं, तकलीफ आपको मिलेगी, इससे बचिए। फैमिली में किसी अपने के रूट जाने से आपका काम में मन नहीं लगेगा, आपका ध्यान भटक सकता है, इससे बचिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के इमोशन अत्याचार आप पर हो सकता है, तो आप इमोशनली थोड़ा कम और प्रैक्टिकल ज्यादा रहें, परेशानी कम होगी। क्रोनिक डिजीज, ऐसी डिजीज जो पहले थी वापस आ सकती है, आपको कोई ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, सावधानी बरतिए। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए स्टूडेंट को बहुत हद तक आज प्रॉब्लम से छुटकारा मिलने का दिन है। लकी कलर ग्रे, नंबर 2 शुभ रहेगा। मकर राशि, आमदनी में बढ़ोतरी, पैसा सेव करना, बचे हुए पैसे से पैसा कमाने के चांसेस ज्यादा है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे से, वायदा बाजार और जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट किए गए पैसे से पैसा बनाने के चांस ज्यादा है। वर्क प्लेस पर वर्कलोड ज्यादा होना और हो सकता है दो लोगों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ जाए, अन्य कर्मचारियों के साथ ओवरटाइम करना पड़ सकता है। धन से संबंधित मामलों में सावधानी बरतें और अपनी जुबान पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। फैमिली में खुशहाली का माहौल आपको बनाना पड़ेगा। एंगेज अपने आप को करिए, परिवार के साथ वक्त रहते वक्त बिताइए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें स्टूडेंट के लिए आज बड़ा सक्सेस का दिन है। बिजनेस और ऑफिशियली ट्रैवलिंग करनी हो सकती है जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। खाने को लेकर बनाए गए डाइट चार्ट का असर आपकी सेहत पर दिख रहा है। लकी कलर पिंक, नंबर 5 शुभ रहेंगे। कुंभ राशि, आप किसी के खिलाफ या कोई आपके खिलाफ राजनीति कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, तो हर हालत में आप अपना और अपनों का सुरक्षा चक्र तैयार कर दीजिए। बिजनेस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी और यदि आप प्लानिंग में थोड़ा चेंजेस करना चाहते हैं तो उसे आसानी से करते हुए सक्सेस प्राप्त करेंगे। वर्क प्लेस पर आपकी वर्किंग एफिशिएंसी को देखते हुए ट्रांसफर के साथ प्रमोशन, सैलरी हाइक बढ़ सकता है। सेहत के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। फैमिली में किसी नए मेंबर के आने से खुशी का माहौल बना रहेगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर की सेहत में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और सिविल के फील्ड से जुड़े हुए स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत होगी। फैमिली मेंबर्स के साथ ट्रैवलिंग की प्लानिंग बन सकती है। लकी कलर नेवी ब्लू, नंबर 3 शुभ रहेंगे। मीन राशि, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, स्पिरिचुअलिटी, दान पूजा पाठ धर्म कर्म में मन लगेगा। अगर आप अपने बिजनेस में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो यह फायदेमंद सौदा रहेगा। वर्क प्लेस पर आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगेगी।
रीढ़ की हड्डी में परेशानी थोड़ी हो सकती है। फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के सहयोग से आने वाले दिनों में कोई अच्छा काम हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी काम हो सकता है, दोनों मिलकर प्रोफेशनली आगे बढ़ सकते हैं और भविष्य के लिए योजना बना सकते हैं। स्टूडेंट को करियर के नए ऑप्शंस आज मिलेंगे। ट्रैवलिंग के दौरान किसी अननोन पर्सन से मुलाकात आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, बचिए। लकी कलर ब्राउन, नंबर 1 शुभ रहेंगे। प्रिय साथियों, कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि क्यों शादी में निभाई जाती है कन्यादान की रस्म। हिंदू धर्म की शादियां तमाम रस्में और रिवाज निभाने के बाद ही पूरी बनी जाती है। सभी रस्मों में कन्यादान की रस्म काफी महत्वपूर्ण होती है। यह दान सबसे बड़ा दान होता है। महादान की श्रेणी में कन्यादान को रखा गया है। कन्यादान एक ऐसी रस्म है जो कि पिता और बेटी के भावनात्मक रिश्ते को दर्शाती है। यह रस्म पिता और पुत्री के लिए काफी कष्टकारी होती है, क्योंकि अपने जिस जिगर के टुकड़े को पिता जिंदगी भर प्यार से संभाल कर बड़ा करता है, विवाह के वक्त उसे ताउब्र के लिए किसी और को सौंप देता है। ऐसे में अपने माता पिता और घर को छोड़कर नए घर में जाना एक कन्या के लिए भी उतना ही कष्टकारी है जितना किसी माँ बाऊजी के लिए अपनी बेटी को विदा करना। यह एक ऐसा भावुक संस्कार है जिसमें एक बेटी अपने रूप में अपने पिता के त्याग को महसूस करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वर को विष्णु और वधु को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जब कन्यादान किया जाता है तो विष्णु के स्वरूप में वर कन्या के पिता की हर बात को मानता है और उन्हें आश्वासन देता है कि जिंदगी भर उनकी बेटी की वह रक्षा करेगा और जीते जी उस पर कोई आंच नहीं आने देगा। शास्त्रों में कहा गया है कि जब शास्त्रों में बताए गए विधि विधान के अनुसार कन्या के माता पिता कन्यादान करते हैं तो उनके परिवार को भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कन्यादान किसी सौभाग्य से कम नहीं है। जिन माँ बाबूजी को यह दान करने का मौका मिलता है उनके स्वर्ग जाने का मार्ग खुल जाता है। प्रिय साथियों, एक सवाल के साथ आप लोगों को छोड़े जाता हूं। रात को तुलसी के पत्ते तकिए के नीचे रखकर सोने से क्या लाभ मिलता है? आप इस पर रिसर्च करिए, मैं इसका जवाब कल कार्यक्रम के अंत में दूंगा। प्रिय साथियों, मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा जानकारी ली जा सकती है। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहकर दिन गुजारेगा। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार प्रिय साथियों, लॉकडाउन के बाद ये मेरी पहली यात्रा है। 23 और 24 जून को आप मुझसे पर्सनली मुंबई में मिल सकते हैं। 26 जून को पुणे और 27 जून को आप मुझसे नासिक में मिल सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।